हेलो गाइस, कैसे हो? तो आपको एक नई जगह लेकर जा रहे हैं हम अपने पास में 10-12 किलोमीटर सिटी है, उसकी हम कुछ फेमस आपको जगह दिखाएंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। हम फाइनली कोटकपुरा में पहुंच चुके हैं। ये सीधी सड़क कोटकपुरा के बाज़ार में जाती है और इधर ये बाईपास को जाती है। यह तो कोटकपुरा रोड पे आने पर सबसे पहले शहीद भगत सिंह चौक आता है, जिसको जैत चुंगी के नाम से भी जाना जाता है। चौक से निकलकर तो हम सीधा रेलवे स्टेशन आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल में कोई गाड़ी नहीं है, मालगाड़ी ही खड़ी है। तो गाइस, ट्रेन अभी समय नहीं हुआ है ट्रेन का, तो मालगाड़ी खड़ी है। तो ये रेलवे, ये लिखा है यहाँ पे कोटकपुरा जंक्शन। यहाँ से एक पंजाब मेल ट्रेन जाती है जो सीधा मुंबई जाती है, तो सबसे लंबा सफ़र तय करती है पंजाब मेल, सुपर फास्ट ट्रेन है। तो दोस्तों, हम रेलवे स्टेशन से निकलकर तो हम मेन बाज़ार में जाएंगे, टोडा बाज़ार के नाम से जाना जाता है। तो बाज़ार हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मेन बाज़ार है, टोडा बाज़ार के नाम से जाना जाता है। ये बाज़ार कोटकपुरा मेन बाज़ार है, आप देख सकते हो। ये मेन बाजार है यार कोटकपुरे का, काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। दोस्तों, आप देख सकते हो, काफी मशहूर है कोटकपुरे शहर में, टोडा नाम के बाजार से जाना जाता है। देख सकते हो आप, काफी दुनिया है यहाँ पे जो अपने हम शॉपिंग कर रहे हैं। मेन बाजार है, तो काफी लंबा है, आप देख सकते हो इसकी दूरी। देख सकते हो दोस्तों, काफी यहाँ पे बड़े बड़े मॉल हैं, और देख सकते हो तो मेन बाजार माना जाता है, टोडा बाजार के नाम से जाना जाता है। टोडा बाजार से हम सीधा सब्जी मंडी जा रहे हैं, सब्जी मंडी पर जा रहे हैं। तो आपको हम सब्जी मंडी दिखाएंगे। तो हम सब्जी मंडी पहुंच चुके हैं, आ गया आपको दोस्तों। ये सब्जी मंडी है दोस्तों, देख सकते हो, पूरा की मेन मंडी है यहाँ पे, सब्जी मंडी है। दोस्तों, हम दिखा रहे हैं आपको, हरी हरी सब्जियाँ यहाँ पे मिलती है, काफी अच्छे सब्जियाँ। सब्जी मंडी से निकलकर हम आपको शास्त्री मार्केट बाजार, जहाँ से कपड़े और बूट वगैरह खरीदे जाते हैं, तो आपको दोस्तों वो दिखाएंगे। हम बाजार में आ गए हैं, तो यहाँ पे कपड़े
और अच्छे अच्छे जूते वगैरह मिलते हैं यहाँ पर। तो ये मेन शास्त्री मार्केट है कोटकपुरा शहर की। लोग अच्छे अच्छे यहाँ पर आते हैं कपड़े खरीदने के लिए, देख सकते हो आप दोस्तों। काफी अच्छा लग रहा है आपको जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेन वो है दोस्तों, आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मेन बाजार है हमारा, सस्ती मार्केट बाजार के नाम से जाना जाता है बड़ा शहर में। यहाँ पे लोग कपड़े लिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं जूते वगैरह। तो मेन वो है यहाँ पर, देख सकते दोस्तों आप, ये शास्त्री मार्केट बाजार कपड़े वगैरह जो भी आप खरीद सकते हो यहाँ से दोस्तों। तो मेन कोटकपुरे का मेन बाजार है हमारे कोटकपुरा शहर में, शास्त्री मार्केट से जाना जाता है, शास्त्री मार्केट के नाम से जाना जाता है बाजार दोस्तों, देख सकते हो। लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, चीजें भी अच्छी अच्छी मिलती हैं आने के लिए और पहनने के लिए भी। शास्त्री मार्केट से निकल कर सीधा पत्तियां वाले चौक पर जा रहे हैं जो कोटकपुरे का मेन जगह है, जहाँ पे पत्तियां वाले चौक से जाना जाता है। पत्तियां वाला चौक है जहाँ से अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना और फिरोजपुर और फिरोजपुर और बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, तो सारे यहाँ से जाते हैं बसें। ये मेन पत्तियां वाला चौक है कोटकपुरे का, यहाँ से सारी बसें देख सकते हैं दोस्तों। सिटी थाने के सामने हम आपको दिखा रहे हैं, उसी के सामने स्कूल है डॉक्टर हरी सिंह सेव सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बॉय स्कूल जिला फरीदकोट। अब हम इससे अब सीधा आपको बस स्टैंड दिखाएंगे, तो हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, बसें आ रहे हैं। बस स्टैंड के सामने बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं हुडा स्वीट पे है, हम आपको अंदर दिखा रहे हैं, बस अड्डे के अंदर जा रहे हैं दोस्तों। सारी बसें जाती हैं जो जाने की मोगा, जलंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, फिरोजपुर, बठिंडा, तो यहीं से ही जाते हैं। तो अब इसके बाद हम आपको सिविल अस्पताल दिखाएंगे हॉस्पिटल, तो इसके साथ ही लाला लाल पतराय पार्किंग है, तो हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद तो हम आपको श्री गुरुद्वारा साहब दिखाएंगे। फरीदपुर रोड पे और पतिया वाले चौक के पास बिल्कुल ये सिविल अस्पताल कोटकपुरा है जो बाबा दयाल सिंह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो इस अस्पताल में काफ़ी अच्छी सहूलत मिलती है, तो मरीजों के साथ अच्छा देखभाल होती है इस हॉस्पिटल में। तो आप गाइस देख सकते हो, तो बाबा दयाल सिंह के नाम से जाना जाता है कोटकपुरे का मेन सिविल अस्पताल है ये। हम आपको ये पार्कर के पास आ गए हैं, तो आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये लाला लाजपत राय के नाम से पार्क कोटकपुरा शहर में जानी जाती है, तो देख सकते हो आप।
काफ़ी बड़ी है, तो लोग यहाँ पे आराम फरमाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ठंडी हवा भी है और पेड़ काफ़ी लगे हुए हैं, तो हरियाली हरियाली है चारों तरफ। देख सकते हैं दोस्तों आप, लाला लाजपत राय राय के नाम से देख सकते हैं आप, यानी यह पार्क नगर कौशल कोटपुरा। देख सकते हैं दोस्तों, तो बच्चों के लिए काफी सहूलतें हैं यहाँ पर, खाने पीने वाली। इसके बाद हम गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं दोस्तों, तो जो मेन कोटपुरा शहर में गुरुद्वारा साहिब है, तो दोस्तों हम श्री गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं गुरुद्वारा पातशाही दशमी छवनी नंद सिंह गुड्डा दल, तो यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए थे, और देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा है गुरुद्वारा साहिब है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी यहाँ पर आए थे, और उसी के साथ गुरुद्वारा के बिल्कुल मेन गेट के सामने ये अमर स्पोर्ट्स की दुनिया चीज़ें मिलती हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी ये स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, तो देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी चीज़ें, तो यहाँ पर क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती हैं, तो बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब के पास हैं।